चाकू से हमला किया दबंगों ने और उसको हत्या का प्रयास किया। अभी वो बच्चा मौत, जिंदगी और मौत से SRN अस्पताल इलाहाबाद में जूझ रहा है, अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहा है आज उसी के लिए, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए। आज घटना को लगभग एक हफ्ते हो गए हैं लेकिन नामजद FIR होने के बावजूद भी अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है पुलिस आज उसी के लिए, क्योंकि जनता में बहुत आक्रोश है। आज हम सब यहाँ पर हंडिया थाने में आए हैं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जिस तरह से अपराधियों के हौसले इस योगी सरकार में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सत्ता उनको संरक्षण देने का काम कर रही है, उसी के खिलाफ आज हम सब यहाँ पर हंडिया थाने में यहाँ पे उनके माध्यम से SSP को ज्ञापन दिया गया है कि जल्द ही जल्द अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से इससे भी बड़ा आंदोलन यहाँ की जनता करेगी। हंडिया थाने में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अभी 8 फरवरी को तारा गांव के विनय कुमार को चाकू से गोद डाला गया लाचागिरी के कॉलेज में और अपराधी बेखौफ बहुत घूम रहे हैं। 3 नामजद हैं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। कहीं न कहीं साधु प्राण का दबाव है। मैंने कल निधि यादव जी और तमाम कार्यकर्ता पार्टी के लोगों ने IGDIG सत्र को ज्ञापन दिया और हम लोग यहाँ पर भी आए हैं। हंडिया के हमारे तमाम साथी कार्यकर्ता हमारे पीड़ित हैं। मैं हंडिया में किसी भी कार्यकर्ता के साथ में अन्याय नहीं होने दूंगा। अन्याय जब भी कोई करेगा हम लोग उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर खड़े रहेंगे।